हे ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने जो व्लॉग मैंने एंड किया था, अब उसके बाद से मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम लोग जो है शिमला के लिए निकल गए थे। सो हम लोग को लगभग रात हो गई थी, 10:30 बजे हम लोग पहुँचे थे। एंड तो अभी हम लोग कार में हैं, आप देख सकते हो। और ठंड इतनी थी, बहुत ठंड थी, रास्ते में भी बहुत ठंड लग रही थी। सो चलिए अब मैं पहुंच के बात करती हूँ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल। सो जैसे कि मैंने कह रहा, 10:30 हो गए थे। सो ये मैं क्या है ना, रूम पूरा बिखर जाता है उससे पहले मैं याद रहती है ना, तो यहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ कि कैसा क्या था। एंड आप क्लीनिंग देख सकते हो, अच्छी खासी क्लीनिंग थी, बहुत अच्छा होटल था। सो आप देख सकते हो। और ना हम लोग इतना थक गए थे, और हमारा होटल ना थोड़ा सब पहाड़ों पे ही है ना, टॉप पे रहता है। सो उसकी वजह से ना चलने की भी हिम्मत नहीं थी फिर भी कैसे तैसे, और ऊपर से कपकपी छूट रही थी ठंड की वजह से। तो ये देखिए, रूम बिखर ना जाए इससे पहले कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रूम है हमारा। और ये ना गर्म था क्योंकि यहाँ पर वुडन का आप देख सकते हो ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो ना इसमें ना गर्मी मतलब गर्म लगता है आपको अगर आप बाहर ठंड से आ रहे हो तो। सो ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ, अभी ये रात का वक्त है ना तो बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ कर्टन्स के बाहर एक अच्छा व्यू देखने को मिल जाता था मॉर्निंग होते साथ। और यहाँ ना ऊपर में एक ऐसा मिरर लगा हुआ था, सो मैं वो भी दिखा रही हूँ। सो बस हम लोग, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, तो आप देख सकते हो यहाँ से व्यू, ये पूरा शिमला यहाँ से दिख रहा है क्लियरली। नहीं, थोड़ा सा व्यू ना उतना अच्छा नहीं आ रहा था, ये बीच में टंकी वगैरह थी, बट आप देख सकते हो यहाँ से पूरा आपको शिमला दिख रहा है। एंड सुबह हुई ना, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा था। उसके बाद हम लोग फर्स्ट डे तो कुफरी के लिए निकल गए थे। सो हम लोग अर्ली मॉर्निंग 8 बजे निकल गए थे कुफरी के लिए। सो चलिए आप लोग इन्जॉय कीजिए, हम कुफरी पहुँच के मिलते हैं। सो हम लोग कुफरी पहुंच गए हैं, और यहाँ पे हम लोग एक पैकेज ले रहे थे। तो यहाँ पे जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती है, जिप लाइनिंग एंड जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। सो वो पैकेज है भैया जी समझा रहे थे, तो हम लोग ले रहे थे। सो वैसे तो यहाँ पे ना, जैसे आप कोई भी नई जगह जाओगे तो आपको ना ठगने की बहुत ज़्यादा कोशिश होती है, तो मैं यही कहूँगी कि आप सतर्क रहें। हालाँकि हम लोग को जितना करना था, हम लोग ने एक दो ही जो एक्टिविटी ली, और हम लोग घोड़ों पे ऊपर गए एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ये देखिए, ये है कुफरी, हम देख सकते हो। इस टाइम स्नो का टाइम नहीं था जैसे कि मैंने आपको कहा, बट धूप देख के ये मत समझिए कि यहाँ पे ठंड नहीं थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंड थी। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा, देख सकते हैं आप लोग, इन घोड़ों पे बैठ के आया। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही थी क्योंकि मैं, मुझे ऐसा लग रहा था हमारा वजन, ये लोग मतलब एक फीलिंग होती है ना, मैं एनिमल लग रहा है हम लोग, तो बहुत ज़्यादा ही मुझे इनका दर्द महसूस होता है। तो मुझे लगा कि अरे यार, मैं इन पर बैठी हुई हूँ, इनको दर्द हो रहा होगा, ऐसी मेरी थिंकिंग है। सो मैं वही सोची थी। और बाकी ना, ये पहले बार मैंने हॉर्स राइडिंग की, तो ये देखिए इस तरीके से ले जाया जाता है ऊपर। और ये जो ना मेरे वाला जो है ना, इसका नाम था मोटू, और जो मेरे हस्बैंड बैठे थे उनका नाम था गुड्डू। तो ये देखिए, हम लोग कुफरी पहुँच चुके हैं ऊपर। और यहाँ पे इस टाइम स्नो का टाइम नहीं था जैसे कि मैं आपको बताते ही आ रही हूँ, बट धूप देख के जैसा कि मैंने कहा, मत समझिए कि यहाँ पे ठंड नहीं है, ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। इसी वजह से आप लोगों ने पूरे जितने भी व्लॉग्स अगर आप लोगों ने हम लोग देखे, तो हम लोग जैकेट और अपने टोपे में ही थे। तो अभी बस हम लोग ने जो फ़ोटोशूट कराया था ना पहाड़ी इसमें ड्रेस में, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ना देखिए, पीछे मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं फ़ोटोज़ के। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा, देखिए एक्टिविटी, जैसे कि कहा एक्टिविटी ली हुई थी ना, तो हम लोगों, ये देखिए हम लोग ना जिप लाइनिंग कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था ऐसा कोई एक्टिविटी हम लोग कर रहे थे। सो ये देखिए, मैं सामने लटकी हुई हूँ, एंड मैंने कितना कस के पकड़ रखा था उसे कि मुझे लगा मैं छूट जाऊँगी, गिर जाऊँगी नीचे। अच्छी खासी हाइट थी यार, आपको नीचे नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत रिस्की था। जैसे जैसे याद रहे करके मेरे हस्बैंड जबरदस्ती वीडियो शूट कर रहे थे, आप देख भी सकते हो, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं है वीडियो की तरफ क्योंकि मुझे डर लग रहा था। सो ये देखिए, हम लोग पहुँच गए,
आप 1 सेकंड में पहुंच जाते हो, बट फिर भी डर तो लगता ही है हाइट से। ये देखिए, इसके बाद हम लोगों को लग गई थी भूख, तो हम लोग यहाँ पे मैगी और आलू टिक्की चाट खा रहे थे। उसके बाद देखिए हमारा पूरा दिन वहीं गुजर गया था, लगभग शाम के 5 बज गए थे और हम लोग अब रिटर्न हो चुके हैं। तो जो ये भैया है ना जो हम लोग को ले गए थे, तो हम लोगों ने ना उन्हें टिप भी दी, वो मना कर रहे थे, बट अपनी खुशी से अगर आप किसी को कुछ देते हो तो बहुत टाइम तक रुके हुए थे, लगभग आप सोच सकते हो सुबह से हम लोग गए हुए थे और शाम को 5 बजे वापस आए। हालांकि वो उनका काम है, लेकिन फिर भी से अपनी खुशी से हमें जो लगा हमने उन्हें टिप दे दी। ये देखिए, अब हम लोग निकल चुके हैं अपनी होटल की तरफ एंड आप शिमला को वर्चुअली देख सकते हो। आप लोग इंजॉय कीजिए, तब तक मैं आप लोग से होटल में जब हम पहुँच जाएंगे तब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना कभी भी ट्रैफिक जाम हो जाता है, आपकी गाड़ी कभी फंस सकती है, आप देख सकते हो। और ये देखिए हम लोग होटल पहुँच गए हैं और लगभग शाम के 6 बज रहे थे। तो ये देखिए शाम हो गई, लाइटिंग वाइटिंग चालू हो गई। ये हमारा होटल है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था। और यहाँ पे ना आपको ज़्यादातर जहाँ भी घूमना है ना आपको क्या बोलते वॉक ही करना पड़ता है। मुझे नहीं पता था यहाँ पे हर जगह आप कार से नहीं जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा इशू है। और ये देखिए हमारा होटल, और ठंड जैसी शाम होती थी ना इतनी ज़्यादा और ठंड बढ़ जाती थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती थी। मैं आपको बता नहीं सकती, अभी मैं बात भी कर रही हूँ तो मुझे एकदम से कप कपी झूठ रही है, मैं शिवर करने लगती थी इतनी ज़्यादा ठंड, जबकि आपने जैकेट पहना है टोपा पहना तो भी वो काम नहीं आता था। ये देखिए ये हमारा होटल है जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था, और ये बहुत ही क्लीन होटल है। और यहाँ के प्राइजेज अप डाउन होते रहते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग, बट शिमला में ना आपको सस्ते होटल्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू मनाली अगर मैं देखूँ तो मनाली में आपको 800 में भी होटल मिल जाएगा, बट यहाँ पे ना बहुत ही मुश्किल है शिमला में, क्योंकि हम लोगों ने जब ऑनलाइन बुकिंग की थी तब भी आप यहाँ से देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, लाइटिंग जलती है ना शाम की तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए हम लोग अपने होटल आ गए, और ये जो रिसेप्शन एरिया ये यहाँ का मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, क्योंकि ये सारी आपकी यादें होती हैं। तो ये मैं वीडियो बनाती हूँ तो इसके उसमें मैं वो भी कर लेती हूँ, ये सब यादों को जोड़ के रखती हूँ। ये देखिए ये 4th फ्लोर है, जो लिफ्ट है ना 4th फ्लोर तक ही चढ़ती थी, हम लोग का जो रूम है वो 6th फ्लोर पे था, तो उसके बाद हम लोग को पैदल जाना पड़ता था। तो ये देखिए चारों तरफ आपको होटल्स ही दिखेंगी, और शाम पूरी तरीके से हो चुकी है, लगभग 6:30 हो रहे होंगे इस टाइम पे। तो ये रहा शिमला, ये देखिए आप वहाँ बहुत सारी कार देख सकते हो, तो ये सारी ना पार्किंग है, तो वहाँ पे कार पार्क की जाती है। तो ये देखिए अब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं अपनी रूम की तरफ, और हम लोग अभी बहुत थक चुके थे क्योंकि दिन भर हम लोगों ने एक्टिविटी की थी। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, बस इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया एंड जस्ट हम सो गए थे। जब आप होटल पहुंच जाते हो ना तब आपको कहाँ जाके शांति मिलती थी हम लोगों को, तो क्योंकि नहीं तो बाहर इतनी ठंड लगती थी, हम लोग रुक ही नहीं पाते थे। तो ये देखिए हमारे चेहरे से आप इमेजिन कर सकती हो, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और मेरी सांस भी फूल रही थी चढ़ते वक्त, मुझे ऐसा लगता था कि बाप रे मुझे कोई उठा के ले चली, इतना ज़्यादा मैं थक जाती थी। तो ये देखिए फाइनली हम लोग रूम में आ गए हैं, रूम पहुंच गए हैं अपने।